मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा फिजिक्स की मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लें। तो फिजिक्स में आपके जो टोटल चैप्टर हैं उनको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ये एक रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एक जो स्टेशनरी चार्ज है, अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो उसकी जानकारी हम इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। तो इस यूनिट में आपके टोटल 6 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, तो मार्किंग के हिसाब से ये जो यूनिट है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पेपर में आपके जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 70 में से आउट ऑफ 70 जो 15 मार्क्स हैं वो आपके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से पूछे जाते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें पहला टॉपिक लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करते हैं तो उनमें जो हल्की चीज़ें हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फर, ग्लास, सिल्क, वुड वगैरह, प्लास्टिक, रबड़, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जब हम इनको एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो ये हल्की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो सब लोगों ने किया होगा कि जब हम स्केल या कंघी को अपने बालों से रब करते हैं तो ये जो कॉम्ब है, जो कंघी है, वो लाइटर चीज़ों को जैसे कागज वगैरह, पेपर के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। ऐसे ही आप इसके कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट लें, सपोज ये आपकी वूलन स्वेटर है और इसमें हमने एक बैलून ले लिया, तो अगर हम इस बैलून को इस स्वेटर के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कराते हैं, इन दोनों को रब करते हैं, सपोज हमने इसको इससे रब किया, तो रब करने के बाद अगर हम इसको बैलून को स्वेटर के पास लाएं तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो बैलून है दूर रखे जाने पर भी स्वेटर की ओर अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो यही क्या कहलाता है? आपका चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है कि अगर हम दो चीज़ों को रब करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, या जो लाइटर चीज़ें हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसके हमने दो एग्जाम्पल देखे। इसी प्रकार इन ऑब्जेक्ट्स को भी, सपोज हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो इन पर भी जो है हल्की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। तो ये चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो उनमें हल्की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्यों पैदा हो जाती है? इसका कारण है, इसका रीजन होता है चार्ज। तो जब हम इनको आपस में रब करते हैं, जैसे हम इन दो चीज़ों को अगर हम रब कर रहे हैं तो दोनों पर चार्ज आ जाता है, हमारे हेयर पर भी चार्ज आ जाता है पहले टाइप का चार्ज, और ये कॉम्ब है इस पर भी चार्ज आता है दूसरे टाइप का चार्ज। तो ये जो चार्जेस हैं इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाम देते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो पहली ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो हमारे चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो इन चार्जेस के हम जो डिवाइड करते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो कहलाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक कहलाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर हम एक ग्लास की रॉड ले लें और उसको हम सिल्क से रब करें तो सिल्क पे आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाम देने का क्या रीजन है? ये जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। माने अगर हम दो चीज़ों को रब करें तो उन पर जो चार्जेस आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को फिर से कांटेक्ट में लाएं, जैसे अगर हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो यहाँ प्लस आ जा रहा है ग्लास रॉड पर, इस पर माइनस आ जा रहा है। अब मान लो ये जो सिल्क है उसको दोबारा से अगर हम इस ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को न्यूट्रलाइज कर देती है। सपोज अगर हम एक नंबर हमने डिजिट ले लिया +2, इसमें अगर हम -2 ऐड कर दें तो आप जानते हो कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जो हमारा रिजल्टिंग जो हमारा टोटल आंसर है वो 0 आ जाता है। तो ऐसे इसमें भी जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उन पर जो चार्जेस आते हैं
उनको अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं तो जो टोटल चार्ज है हमारा वो जीरो हो जाता है। तो उसका मतलब ये जो चार्जेस हैं ये प्लस माइनस नंबर की तरह बिहेव करते हैं, उसमें उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया गया। इसके बाद इसका हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग बाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है, तो इसको क्यों आता है चार्ज या वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्यों अट्रैक्ट करने लगती हैं, तो उसके लिए एक थ्योरी दी जाती है जो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे एटम से मिलकर बना होता है। एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है और एक न्यूट्रॉन कहलाता है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ना तो न्यूट्रॉन होते हैं और ना ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो आप देख सकते हैं कि वैसे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। बचे आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनों के जो है ट्रांसफर के कारण होता है। इसका रीजन क्या है कि अगर प्रोटॉन जो है इसमें क्यों नहीं पार्ट लेते हैं, इसका एक सिंपल सा रीजन है। हम जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन होता है वो इस सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है। एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है न्यूक्लियस का वो काफ़ी कम होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। जबकि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूट्रॉनों के साथ न्यूक्लियस में रहते हैं और एक इनमें एक पावरफुल बॉन्ड काम करता है या फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये जो होते हैं एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल फोर्स है। जो हमारे नेचर में जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं इसमें न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो इस पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये जो होते हैं अब प्रोटॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल हमारे केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रोटॉन नहीं होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, वैसे तो एटम न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर ये लूज करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा होने से उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो इसमें आपने एक लॉ याद रखना है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हों, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो नेगेटिव पार्टिकल देगा एक्सेप्ट करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो जिस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव पार्टिकल जाएगा उस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम मेजरमेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इससे हम या तो चार्ज को मेजर कर सकते हैं क्यू को, या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं या क्यू या वी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा कहलाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इससे हम किसी चार्ज को कैसे नापते हैं, तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है और इसके ऊपर मेटल का एक नॉब लगा रहता है। रॉड का जो लोअर पार्ट है उसमें गोल्ड लीफ लगी रहती है, एक थिन गोल्ड लीफ जो वी शेप में बेंड रहती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज को हमने नापना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, इस मेटल नॉब से इसका कांटेक्ट कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड है, तो इस पर हमने चार्ज मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं इसको इस नॉब पे टच करा देते हैं। अब ये जो रॉड है ये आपकी मेटल की बनी हुई है जो कि एक कंडक्टर है, तो जो सारा चार्ज है वो फ्लो होके नीचे चले जाता है। अब जैसे ये चार्ज इस गोल्ड लीफ पर पहुँचता है तो इसको दो रास्ते मिल जाते हैं, तो थोड़ा चार्ज यहाँ से फ्लो हो जाता है, थोड़ा यहाँ से फ्लो हो जाता है।
तो ये जो आपकी गोल्ड लीफ है जो वी शेप में बेंड है, ये थोड़ा सा फैल जाती है। तो ये कितना फैलेगी ये इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ से कितना चार्ज आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा चार्ज आएगा इसका जो फैलना है उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके ये इसके जितनी एक्सपेंड कर रही गोल्ड लीफ उसको आप मेजर करके आप चेक कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जो भी हमने चार्ज के बारे में पढ़ा इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसके लिए एक रूल होता है। लाइक पोल्स का मतलब है कि अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले आओ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज के आगे आप एक नेगेटिव चार्ज ले आओ तो तब ये एक दूसरे की ओर को अट्रैक्ट होते हैं। ये चार्जेस की पहली प्रॉपर्टी होगी कि लाइक पोल्स जो होते हैं अगर प्लस प्लस लाएँ हम एक दूसरे के नज़दीक या माइनस माइनस लाएँ तो रिपेल होंगे, लेकिन प्लस के आगे माइनस लाओगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाएं तो जो आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उस पर भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाती है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो स्फीयर हैं, तो एक स्फीयर को हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है और एक को नेगेटिवली चार्ज करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, इंडक्शन से हम इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके पास है जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो इसके नज़दीक लाते हैं। तो इसके पास हम एक रॉड लाए जिस पर प्लस चार्ज है। अब ये जो स्फीयर हैं ये आपके मेटल के बने हुए हैं, तो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके नज़दीक लाते हैं तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकल के स्फीयर बी से स्फीयर ए की ओर आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव रॉड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट करती है, जिससे बी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ए पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से यहाँ पर बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, ये जो रॉड ये जो स्फीयर हैं ए और बी, अभी तो ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं, इनको थोड़ा एक दूसरे के दूर दूर रख देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि आपने मेटल रॉड को हम यहीं रहने देते हैं और ए और बी के बीच में थोड़ा सा हमने गैप रख दिया। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, मेटल रॉड को भी हटा देते हैं। अब जैसे इस मेटल रॉड को आप हटाओगे तो इससे क्या होगा, जो ए का चार्ज है वो बी की ओर जाने लगेगा, माइनस प्लस को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ए से जो नेगेटिव चार्ज है, ए से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से बी में जाने लगेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में हमने गैप रखा है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बी स्फीयर पर नहीं जा पाते। तो अगर हम इन स्फीयर को थोड़ा और ज़्यादा दूर रख दें तो जो ए का नेगेटिव चार्ज है वो ए में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ऐसे जो बी का पॉजिटिव चार्ज है वो भी बी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रकार इंडक्शन द्वारा हमने ए को नेगेटिव चार्ज दे दिया और बी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। शुरू में जो स्फीयर ए और बी हैं ये न्यूट्रल थे, तो इसके पास हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाए तो इससे ए और बी पर चार्ज इंड्यूस हो गया। चाहे हमने मेटल रॉड हटा भी दी तब भी ए पर हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज आ गया और बी पर हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी एक्सपेरिमेंट को आप एक सिंगल स्फीयर लेके भी कर सकते हैं। अगर मान लो दो स्फीयर की जगह हमारे पास एक ही स्फीयर हो, तो इसको आपने सपोज हमने इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। अगर इसको प्लस देना है तो इसके पास जो है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाओगे, और इसको अगर माइनस चार्ज देना होगा तो इसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो अगर हमने इस स्फीयर को प्लस चार्ज देना है तो इसके पास हम एक रॉड लाए, और इस रॉड पे आप देखेंगे कैसा चार्ज है, इस रॉड पे माइनस चार्ज है। तो जैसे हम इसको इसके नज़दीक लाते हैं तो जो स्फीयर के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड द्वारा रिपेल होंगे, तो ये जो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो नेगेटिव है इसके नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिससे नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो इससे स्फीयर का यारा जो एंड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिससे
पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, इस रॉड को हम यहीं रहने देते हैं और इस बी की अर्थिंग, इस स्फीयर की अर्थिंग कर देते हैं, इसका जो आउटर पार्ट है उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल बना है ये अर्थ का सिंबल है, तो हमने एक वायर लेके इसका कनेक्शन अर्थ से कर दिया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के अर्थ में चले जाते हैं। तो अब इस स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर नहीं रहा, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। तो ये प्लस वाला तो नहीं जाता है, लेकिन माइनस वाला अर्थ में चला जाता है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, इस अर्थ से इसका कनेक्शन हटा देते हैं। यहाँ से हमने ये जो कनेक्शन है इसका, अर्थ से कनेक्शन इसका, ये हटा दिया है। और फिर नेक्स्ट केस में हम ये रॉड को भी हटा देते हैं। जैसे आप रॉड को हटाओगे तो इसका जो स्फीयर का जो प्लस चार्ज है वो पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार शुरू में हमारा जो स्फीयर था न्यूट्रल था, इसके पास हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाए और जिससे कि उस स्फीयर पर हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम चार्जेस की, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी को आप सीधे एलजेब्रिक मेथड से उसका सम कर सकते हो। तो अगर कोई सिस्टम है, सपोज हमारे पास उससे बहुत सारे चार्ज हैं, सपोज एक चार्ज हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और इनके मैग्नीट्यूड को हम Q1, Q2, Q3 अगर नाम दे दें, सपोज यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो इनके एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो सिस्टम है उस पर जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इनका हमने एलजेब्रिक सम लेना है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट चार्जेस की प्रॉपर्टी हम लेते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्जिंग के दौरान जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो कंजर्व्ड बना रहता है, जितना रब करने से पहले सिस्टम पे चार्ज होगा उतना ही रब करने के बाद भी चार्ज होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके पास ग्लास की रॉड है और उसको आप सिल्क से रब कर रहे हो, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है और जो ग्लास है उस पर, जो ग्लास की रॉड है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर हम इन चार्जेस को मेजर करें, इनको अगर हम नापें, तो आप देखोगे कि यहाँ जितना प्लस चार्ज आता है ग्लास की रॉड पर, सिल्क पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है। तो रब करने से पहले इन दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी टोटल चार्ज जीरो था, और जब हमने इनको रब किया तो अब भी आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम पर दोनों को मिला के टोटल चार्ज कितना है, अभी भी जीरो है, क्योंकि यहाँ जितना प्लस चार्ज हो रहा है उतना ही यहाँ माइनस हो रहा है। तो टोटल चार्ज अभी भी जीरो है और अब करने से पहले भी जीरो था, उसका मतलब सिस्टम पे कोई भी चार्ज जो है हमने क्रिएट नहीं किया। डाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि जो चार्ज होता है उसको आप इनडेफिनेट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, चार्ज को केवल डेफिनेट तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए आपको फंडामेंटल चार्ज को समझना होगा। जो हमारे नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, और उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे हमारा चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का। जो सबसे छोटा चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज है, उसको ई से डिनोट किया जाता है। हालांकि आजकल क्वार्क वगैरह भी डिस्कवर हो चुके हैं जिन पे चार्ज ये माना जाता है कि इस ई से भी कम है, बट आपके सिलेबस में अभी वो नहीं आए, तो अभी हमने ये याद रखना है कि जो सबसे छोटा चार्ज है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का होता है। और जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। सपोज ये फर्स्ट बॉडी है, सेकेंड बॉडी है, तो इन दोनों को आपने रब किया तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। वो हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ लिया कि जो चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो होल नंबर में ही जा सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ वन इलेक्ट्रॉन गया होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट में, या टू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, या थ्री इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे। तो इस पर या तो चार्ज वन ही होगा, या टू ही होगा, या थ्री ही होगा, और इस पर भी चार्ज इतना ही होगा बट नेगेटिव में होगा। तो इससे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मिला हमको, कि
कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो क्यू होता है वो इस फंडामेंटल चार्ज का होल मल्टीपल में होता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, यहाँ क्यू किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, ई फंडामेंटल चार्ज है और एन कोई होल नंबर है, एन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो यही क्या कहला था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज का होल मल्टीपल के बराबर होगा। इसका ये अर्थ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज 1.5 ही नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं आ सकता या 2.1 ही नहीं हो सकता। वैसा तो हो नहीं सकता कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में 2.1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2.1 नहीं जा सकता। तो यानी जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा वो इस फंडामेंटल चार्ज का होल मल्टीपल होगा। तो यही क्या कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस में हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ भी फोर्स एफ लगेगा, यहाँ भी फोर्स एफ लगेगा। तो कूलम्स लॉ ये बताता है कि एफ कितना होगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो दो पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होता है, तथा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इसको आप ग्रेविटेशन लॉ से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आपने ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ते हो कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो जो है एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर हो जाता है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, मासेस की जगह चार्ज आ जाता है। तो यहाँ कूलम्स लॉ का फॉर्मूला मिल जाता है हमको एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यानी दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज बढ़ाने पर तो बढ़ेगा, बट उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम बड़ा कर दें, ज़्यादा कर दें, तो ये जो फोर्स है वो कम हो जाता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो इसमें एक कॉन्स्टेंट ऐड हो जाता है, उस कॉन्स्टेंट को हम 4πε से दिखाते हैं। तो तब ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है कूलम्स लॉ का, एफ इज इक्वल टू 1/4πε क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो एप्सिलॉन है एक नया कॉन्स्टेंट है, ये मीडियम की परमिटिविटी को दिखाता है। तो अब ये जो कूलम्स का लॉ है इसको हम दो फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम हो, वैक्यूम के लिए हमने लिखा है वैक्यूम या उसके ब्रैकेट में हम एयर लिख देते हैं, तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो अगर एयर या वैक्यूम हो तो तब यहाँ एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर लेते हैं, तो तब ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा एफ इजिकल टू 1/4πε नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारी एरिया वैक्यूम की परमिटिविटी कहलाती है। यहाँ जो कॉन्स्टेंट 1/4πε नॉट है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको आप याद कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9×10⁻⁹ के बराबर होती है। 1/4πε ≠ 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी एफ की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और चार्ज की कूलम्ब होती है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको कूलम्ब का स्क्वायर, और आर स्क्वायर आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है, तो ये मिल जाएगा हमको मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4πε ≠ बनाएंगे, इसको आप यहाँ ले आओगे तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम पाई 3.14 रख दें और इसको सॉल्व करें तो इससे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू 8.85×10⁻½ आ जाएगी हमारी, अगर यहाँ पाई 3.14 रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है 8.854×10⁻12। डेसिमल के दो डिजिट तक आपने लर्न करना है इसको, तो तब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी हमको 8.85×10⁻12। यहाँ से इसकी यूनिट बनाएंगे आप एप्सिलॉन नॉट की, तो न्यूटन को हम यहाँ ले आएंगे, न्यूटन यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर ये मीडियम एयर या वैक्यूम ना होके कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम हो तो तब कूलम्ब लॉ का जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें यहाँ अपॉन में के और ऐड कर लेते हैं, तो तब ये हमारा फॉर्मूला मिल जाता है k
किसी डायरेक्टिक मीडियम के लिए f इज इक्वल टू 1/4 πε0 k q n q 2 r2। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमने एक k और ऐड कर दिया, और यहाँ जो k है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है k, जो कहलाता है डायलैक्टिक कांस्टेंट और मीडियम, जो भी आपने डायलैक्टिक मीडियम लिया उसका कांस्टेंट कहलाता है। अब इसमें अगर हम k के लिए एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये एप्सिलॉन है वो यहाँ पर किससे रिप्लेस हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट k से। उसका मतलब जो एप्सिलॉन है, तो हमें इनको कंपेयर करके क्या मिल गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से अगर हम k का फॉर्मूला बनाएं तो k बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे k का भी एक फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम चार्ज का SI यूनिट। जो चार्ज है हमारा, इसकी लाइक क्वांटिटी होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो साइंटिस्ट के नाम पर कूलम रखी गई है। तो इस कूलम की डेफिनेशन हम बहुत सी प्रकार से दे सकते हैं। एक तो कूलम लॉ के बेसिस पे दे सकते हैं, एक चार्ज के क्वांटिनाइजेशन से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं कूलम लॉ। तो कूलम लॉ में अगर हम चार्ज, जो दोनों पॉइंट चार्ज है वो 1C मान लें, 1 कूलम मान लें, उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मान लें, तो F इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 πε0। कूलम लॉ होता है F इज इक्वल टू 4π ε0 Q1 Q2 r2। यहाँ हमने Q1 Q2 भी 1 कर लिया, r भी 1 कर लिया, तो F इज इक्वल टू 1/4 πε0 रह जाएगा। और 1/4 πε0 की एक फिक्स वैल्यू होती है कितनी, 9×10⁻⁹ N। तो इससे एक कूलम की डेफिनेशन बन जाती है। तो 1 कूलम चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो अपने से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे चार्ज पर 9×10⁹ का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए। दूसरी हम कूलम की डेफिनेशन क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज से बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का होल मल्टीपल होता है, Q=ne। तो यहाँ Q=ne है, तो यहाँ से आप n निकालोगे तो n=2 हो जाएगा हमारा Q/E। अब Q हमने कितना रखना है, 1 कूलम, तो यहाँ 1 रख देंगे, और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू हमको पता ही है कि कितनी होती है, 1.6×10⁻¹। तो उसको ऊपर ले आके आप सॉल्व कर दो तो ये आ जाता है हमारा 6.25×10⁻¹। तो इससे भी आप एक कूलम की डेफिनेशन बना सकते हैं कि एक कूलम चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर, यानी चार्जिंग के दौरान 6.25×10⁻¹ फंडामेंटल चार्जेस के ट्रांसफर से ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस होता है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं तो उनके बीच 6.25×10⁻¹ फंडामेंटल चार्ज का ट्रांसफर हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1 कूलम आएगा। इसके अलावा एक थर्ड डेफिनेशन आप कूलम की करंट के फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। करंट हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q/T। तो यहाँ से आप Q बनाएंगे, Q के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो Q बराबर हो जाएगा हमारा I×T। अब I की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ अगर हम 1A रख दें, 1 एम्पियर, और टाइम को भी हम 1 मान लें, 1 सेकेंड, तो जो हमारा चार्ज है वो कितना कहलाएगा, 1C, 1 कूलम। तो इससे इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक फ्लो, तो जो कंडक्टर है उसमें बहने वाला जो चार्ज है वो 1 कूलम कहलाता है। कूलम को आप इन 3 प्रकार से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो।